गुड मॉर्निंग एंड वेलकम बैक टू द चैनल गाइस। होप यू आर डूइंग एब्सोल्युटली फाइन। आवाज़ थोड़ी सी बैठी हुई है। खैर, घड़ी में लगभग बज रहे हैं 9 एंड मैं जो है जल्दी तैयार हो गया हूँ, क्योंकि बॉस ने बोला है थोड़ा जल्दी आने के लिए, है ना। कभी गणपति विसर्जन वगैरह सारी चीज़ें हो गई हैं, तो आप फटाफट थोड़ा सा रेगुलर होते हैं, टाइम पर होते हैं, डिसिप्लिन होते हैं। राइट, तो सबसे पहले एक काम करते हैं, मैं तो पूरी तरीके से तैयार हो गया हूँ। अब बाबा हमारे महादेव को थोड़ा सा फूल वगैरह अर्पण करते हैं, नाश्ता करते हैं एंड निकलते हैं ऑफिस। भाई आज है नाश्ते में पराठा और गोभी की सब्जी, खाते हैं। खुला हुआ है थोड़ा आसमान। गुड मॉर्निंग अजय। गुड मॉर्निंग। ऑलराइट, निकल चुके हैं ऑफिस के लिए एंड देखते हैं कि कितने बजे आज पहुंच जाते हैं। वैसे 9:30 बज गए हैं, यहाँ से ज़्यादा टाइम लगता नहीं है, अनलेस ट्रैफिक हो। ट्रैफिक होगी तो थोड़ा सा टाइम लगेगा, और एल्स नो। ठीक है, एनीवेज लेट्स गो फटाफट। गाड़ी के अंदर पहुंच गए, निकलते हैं। वेल एक्चुअली, जब भी आप पेट्रोल की गाड़ी स्टार्ट करो ना, तो थोड़ा सा 5-10 मिनट्स थोड़ा सा रुको, क्योंकि जो है ना वो सारी चीज़ें प्रोसेस होती हैं अंदर। इंजन में ऑयल जो है वो चढ़ता है, और जो रुका हुआ जो ऑयल है वो भी थोड़ा सा यू नो स्टेबल होता है। सारी चीज़ें फंक्शन करने के लिए रेडी होती हैं। जैसे यू नो हर दिन हम उठते हैं, थोड़ा सा स्लो होता है चीज़ें, धीरे 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 चीज़ें फास्ट होती हैं। तो उस हिसाब से थोड़ा सा आप होल्ड कीजिए, कम से कम एटलीस्ट 3 मिनट, 5 मिनट एटलीस्ट, एंड उस हिसाब से जो है आप आगे का काम कीजिए। ठीक है, गाड़ी थोड़ी अच्छी रहेगी। प्रो टिप, मैं वैसे प्रो नहीं हूँ, मैं ना कहीं पे सुना था। जल्दी निकला हूँ देखो, लेकिन जल्दी निकलते हैं ना, टाइम पे निकलते हैं ना, तो ये सीन होता है, फुल ट्रैफिक होती है यार, फुल ट्रैफिक होती है। इसलिए थोड़ा सा लेट ही निकलना बेटर होता है, क्योंकि अल्टीमेटली वही टाइम पर पहुँचता है। दैट्स रियली सैड यार, सीरियसली। घड़ी में लगभग बज रहे हैं 6:00 एंड आई एम आउट फ्रॉम द ऑफिस एंड अब डायरेक्टली जा रहे हैं घर पर। घर पर देखते हैं दैट कि क्या कर सकते हैं। आज का व्लॉग एडिटिंग है यार, एवरी डे व्लॉग जा रहा है तो ना थोड़ा सा हेक्टिक हो रहा है। लेट्स से हाउ इट गोस। यस, करना तो पड़ेगा ही, क्या कर सकते हैं। नहीं ना यार, उसके वो कितने 50-60 हज़ार मांग रहे थे, कौन देगा इतना, बहुत मांग रहे तो। ऑलराइट, मेरे साथ है यश। हाय। ए ऑलराइट, तो अभी मैं ऐसे रास्ते पे इसके यहाँ पे छोड़ूंगा एंड उसके बाद घर पे जाएंगे। घर पे जाके देखेंगे कुछ काम है नहीं है, जैसा भी है आई अपडेट यू गाइस। हर हर महादेव। चलें, चलो सर, चलिए। सो गाइस, आई एम बैक एट होम एंड घर पर आ गया हूँ। एंड घर पर आने के बाद जो है मैं अपनी वीडियो जो है अपलोड कर रहा था। सो ये वीडियो, अरे यार फ्लैश क्यों ऑन हो रहा है पता नहीं क्यों, रुको। ऑलराइट, अभी देखो कितना बढ़िया लग रहा है, वरना आँखों में यार उसकी रोशनी जा रही थी। एनीवेज, ये जो व्लॉग है दोस्त के घर पर अष्टविनायक दर्शन, ये जो है लाइव हो गया है। सो जाओ देखना, अगर आपने नहीं देखा है तो उसकी लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा एंड आई बटन पर भी उस व्लॉग की लिंक जो है वो आ जाएगी। सो गो एंड
एंड चेक आउट दैट व्लॉग, काफ़ी बढ़िया व्लॉग है, छोटा व्लॉग है, ज़्यादा बड़ा व्लॉग नहीं है, 5 मिनट का व्लॉग है, बिकॉज देखो ज़्यादा मूवमेंट होते नहीं एंड ज़्यादा लाइफ में कुछ है भी नहीं यार, मतलब घर से ऑफिस, ऑफिस से घर, इतनी लाइफ है अपनी और कुछ नहीं। जब कहीं ट्रैवल करने जाऊँगा तो डेफिनेटली उस समय का व्लॉग थोड़ा सा अलग होगा, बट डेली लाइफ तो भाई अपना ऐसा ही है यार, है कि नहीं? तो बस ऐसे ही चीज़ें हैं, तो उस व्लॉग को देखना, जाना, लाइक करना, कमेंट कर देना एंड यू नो कमेंट करके प्लीज़ मुझे ज़रूर बताना दैट कि आपको व्लॉग कैसा लग रहा है, अच्छा लग रहा है, बुरा लग रहा है, जैसा भी लग रहा है प्लीज़ मुझे बता देना, ठीक है? वैसे घर पे आने के बाद मैंने खाना पीना भी खा लिया, लेकिन उस समय मैंने व्लॉग नहीं किया। क्यों व्लॉग नहीं किया? क्योंकि ये हमारे जो माइक साहब है ना, ये हमारे माइक साहब हैं, इनकी बैटरी जो है वो थोड़ी सी चार्ज जो है वो थोड़ा सा घट गया था एंड रिकॉर्डिंग नहीं हो रही थी, तो बस इस वजह से मैंने कहा था कि भैया आप थोड़ा सा चार्ज हो जाइए, तब तक मैं भी थोड़ा सा चार्ज हो जाता हूँ खाना खा के एंड फिर उसके बाद आगे की व्लॉगिंग शुरू करते हैं। तो यस, ये व्लॉग जो है वो हो गया है लाइव, गो एंड चेक आउट, गिव योर लाइक्स गाइस, गिव योर लाइक्स, ऐसा वाला बटन दबाना, जाके लाइक कर देना, ठीक है जी? चलिए अब आगे का काम करते हैं। वैसे आगे का काम ऐसा कुछ है नहीं, आज का भी व्लॉग, जो आज का व्लॉग है जिस वक्त मैं ये शूट कर रहा हूँ, ये व्लॉग भी जो है मुझे एडिट करना है, थोड़ी देर बाद मैं एडिट करूँगा एंड फिर उसके बाद वो भी जो है लाइव हो जाएगा कल। आजकल थोड़ा सा नाइट में डाल रहा हूँ, देख रहा हूँ दैट की टाइमिंग कैसा, कौन सा सूट करता है, कैसा टू सूट करता है। वैसे तो कभी भी डालो व्यू तो कमती ही आते हैं, बट स्टिल आई एम जस्ट फिगरिंग आउट दैट कि कौन सा सही है कौन सा गलत है, ऐसी बात है। सो बस ये है और कुछ नहीं, हाँ, बट जो भी परिस्थिति हो, जैसे भी परिस्थिति हो, गाइस यू नो बी हैप्पी, बी हैप्पी, बी हैप्पी, बी हैप्पी, दैट्स इट। डोंट शो पीपल दैट कि उनके प्रेजेंस से या फिर उनके किसी भी कारण से, किसी भी वजह से यू नो डिसअपॉइंटेड और यू आर अनहैप्पी। नो वन इज़ देयर फॉर एनी वन, ट्रस्ट मी। वैन जब आपको किसी की ज़रूरत होती है तो कोई आपके साथ नहीं होता एंड सब अपने अपने स्वार्थ से ही एक दूसरे के साथ जुड़े हुए हैं। अगर स्वार्थ नहीं होगा तो हर कोई आपके साथ नहीं जुड़ेगा एंड हम इंसान हैं, हम भूल जाते हैं ये सारी चीज़ें कि यू नो हर इंसान सिर्फ़ और सिर्फ स्वार्थ के लिए ही हमारे लिए हमारे साथ जुड़ता है। अगर कोई आपसे अच्छी बातें कर रहा है, अगर कोई आपके साथ है, तो उसका कोई स्वार्थ है आपके साथ। दिस इज़ वॉट आई बिलीव। विदाउट स्वार्थ आज की दुनिया में कोई नहीं है गाइस, कोई भी नहीं है, ट्रस्ट मी। एंड बस यही चीज़ होती है दैट कि हम इंसान है ना, हम भूल जाते हैं एंड बस भूल जाते हैं, दैट्स ऑल। खैर एनीवेज, चलो मूव ऑन। सो गाइस, घड़ी में लगभग बज रहे हैं रात के 12 एंड आई एम डन विथ माय साधना। साधना आज काफ़ी अच्छी हुई, फ्री होके गया, काफ़ी कुछ चीज़ें हो रही हैं बट ठीक है, दैट्स फाइन। आई मीन अपने आप को थोड़ा सा रिलैक्स होकर साधना करनी चाहिए, दैट्स व्हाट आई एम डूइंग। थोड़ा अच्छा लगा, थोड़ा मन शांत हुआ। अब आज के ब्लॉग के लिए बस इतना ही रखते हैं दोस्तों। आज का ब्लॉग बहुत ही छोटा था, बहुत ही क्रिस्प था, क्योंकि ऐसा ही होता है जीवन में, यू नो कभी कुछ बहुत ज़्यादा चीज़ें होती हैं, कभी कुछ भी नहीं होता है, कभी नॉर्मल डे होता है, कभी बड़ा एक्साइटिंग डे होता है, दिस इज़ व्हाट इट इज़। तो बस आज के ब्लॉग के लिए इतना ही रखते हैं। अगर आपको ये ब्लॉग किसी भी कारण से अच्छा लगा है तो इसे लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा एंड कमेंट करके ज़रूर बताइएगा ये ब्लॉग आपको कैसा लगा, अच्छा लगा, बुरा लगा, जैसा भी लगा है कमेंट ज़रूर करना ताकि मुझे पता चले। ऑलराइट, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। मिलते हैं अगले ब्लॉग में, कल के ब्लॉग में।